हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे जेके स्टडी स्टफ में। आज की वीडियो में हम बात करने आ रहे हैं ड्यू कॉलेज के सोल के जो न्यू एडमिशन से रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो पिछले साल या तो एडमिशन नहीं ले पाए थे फर्स्ट सेमेस्टर में, या फिर जो अभी ट्वेल्थ क्लास में पढ़ रहे हैं। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए या इन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। ड्यू सोल के न्यू एडमिशन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को स्टार्टिंग से अगर एंड तक जरूर देखना। तो चलते हैं अपनी वीडियो की ओर एंड शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन आवर वीडियो। सो गाइस, जैसे कि आपको थंबनेल में दिख रहा होगा कि इसमें हम बात करेंगे ड्यू सोल के न्यू एडमिशन से रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, मतलब उनकी जो एक्सपेक्टेड डेट है एडमिशन की वो कब से शुरू होगी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि सोल के अंदर अगर हम ड्यू सोल की बात करें या दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें, तो इसमें साल में एक बार एडमिशन होता है, ठीक है। जैसे 2023 आ चुका है तो इसमें पूरे साल में एक ही बार एडमिशन होगा सोल के अंदर। लेकिन अगर हम बात करें दूसरी यूनिवर्सिटी जिसका नाम है इग्नू, ठीक है, इग्नू के अंदर साल के अंदर जैसे साल में दो बार एडमिशन होते हैं। जैसे 2023 में दो बार इग्नू के अंदर एडमिशन लिए जाते हैं, लेकिन ड्यू सोल के अंदर एक ही बार एडमिशन होता है। तो हम बात करेंगे ड्यू सोल की जो एक्सपेक्टेड डेट है, ठीक है, उसके बारे में कि उनके एडमिशन कब से शुरू हो सकते हैं। वैसे ड्यू के द्वारा कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया एक्सपेक्टेड डेट को लेकर या डेट को लेकर कि एडमिशन इस डेट से या इस मंथ से शुरू होंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो है ड्यू सोल के एडमिशन तब स्टार्ट किए जाते हैं जब ट्वेल्थ का एग्ज़ाम हो जाता है, देन उनका रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया जाता है। मतलब ट्वेल्थ क्लास के एग्ज़ाम के बाद जब जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर हो जाता है, देन उसके एक दो हफ्ते बाद ही आपकी जो एडमिशन है वो स्टार्ट कर दिए जाते हैं, जो सोल के एडमिशन है वो स्टार्ट कर दिए जाते हैं। तो जो ड्यू सोल की अगर हम एक्सपेक्टेड डेट की बात करें तो एडमिशन आपके जुलाई या फिर जून के अंदर ही स्टार्ट कर दिए जाएंगे, क्योंकि अगर ये रिज़ल्ट पे मैटर करता है कि अगर ट्वेल्थ का रिज़ल्ट जल्दी आ गया तो आपके उसी के बाद ही जो एडमिशन है सोल के वो स्टार्ट कर दिए जाएंगे। अगर रिज़ल्ट लेट आता है तो एडमिशन भी आपके लेट होंगे जो सोल के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए हैं। तो वैसे एक्सपेक्टेड डेट अगर मैं आपको बता देता हूँ, मंथ बता देता हूँ मैं आपको, कि जून से जुलाई के बीच में ही या मई के लास्ट में आपको आपके एडमिशन जो है वो देखने को मिलेंगे। जैसी अगर ड्यू के द्वारा कोई ऑफिशियल अपडेट आता है एडमिशन को लेकर तो हम आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कर देंगे। सो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप गाइस आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके आप हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत पा सकते हैं। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।